महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती बहुत वोटों से चुनाव जीत रही। भतीजा को बाहर, कभी भतीजा को अंदर, कभी चाचा को बाहर, ये नीति रही है बीजेपी। इससे नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं, फर्स्ट बार मैं हूँ आपके साथ शलन कुमार। देखिए, रुपौली विधानसभा चुनाव, उप चुनाव हो रहा है रुपौली विधानसभा। बीमा भारती जहाँ राजद की उम्मीदवार है, वहीं दूसरी ओर बात करें तो एनडीए से जदयू के उम्मीदवार कालाधर मंडल है और त्रिकोणीय श्रृंखला माना जा रहा शंकर सिंह जहाँ निर्दलीय उम्मीदवार हैं। एनडीए की ओर से तमाम, वो जितने भी एनडीए के तमाम कदावर नेता हैं, बड़े बड़े नेता, वो चुनावी मैदान में थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वहाँ चुनावी सभा को संबोधित किए हैं। बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी वहाँ चुनावी सभा को संबोधित किए हैं। विजय सिन्हा भी वहाँ पर गए। कहा यह भी जा रहा कि एनडीए के तमाम नेता उतर चुके थे रुपौली उपचुनाव में, अपने कालाधर मंडल के पक्ष में वो चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहीं बात करें बीमा भारती जो राजद की उम्मीदवार है, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और वीआईपी के संस्थापक कहे जाने वाले सुप्रीमो मुकेश साहनी भी ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि इस बार निश्चित तौर पर रुपौली का उपचुनाव राजद ही जीतेगा। क्या कुछ भाई वीरेंद्र हैं जो राजद के कदावर नेता हैं, मनीर से विधायक भी, क्या कुछ वो उपचुनाव पर, रुपौली के उपचुनाव पर बोल रहे हैं, पहले आप उनके बयान को सुने। नहीं लड़ रहे थे देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों से, तो यही जनसंघ वाले ना अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे और अंग्रेज था कि देश में फूट डालो राज करो की नीति, उसी का ही चेला लोग हैं बीजेपी वाले। तो इसलिए चाचा को कभी अंदर, कभी भतीजा को बाहर, कभी भतीजा को अंदर, कभी चाचा को बाहर, ये नीति रही है बीजेपी। इससे हर आदमी को बचना चाहिए। बिहार सरकार ने आवंटन किया है तो नीतीश कुमार का, अरे एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए में बीजेपी है ना, बीजेपी का चाल है ये। रुपौली बाय इलेक्शन हुआ है, ये हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, वहाँ महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती बहुत वोटों से चुनाव जीत रही है। एनडीए के बड़े बड़े नेता वहाँ, अरे बड़े नेता का वैल्यू है वहाँ, मतलब मानते हैं ना कि नीतीश कुमार से दुश्मनी लेना राजनीतिक है, हासरे पर चला जाना। नहीं नहीं, किसी की दुश्मनी लेने से कुछ नहीं, पार्टी का मामला है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद से सब लोग हैं, बने हुए हैं, आज नीतीश कुमार भी बने हुए हैं, तो लालू यादव ही चुनाव जिताए थे 85। जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा, तो चाचा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है और लोग महागठबंधन को चाह रही है सरकार। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हुए, नौजवानों को नौकरी देंगे, सब लोग को आशा विश्वास तेजस्वी प्रसाद यादव। पारस को अपने गठबंधन में लाने की प्रक्रिया चल रही है, ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते। आपने सुना साफ साफ तौर पर जो भाई वीरेंद्र वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, निश्चित तौर पर रुपौली का उपचुनाव जो हो रहा है वो निश्चित तौर पर राजद उम्मीदवार बीमा भारती ही चुनाव जीतेगी। कहीं से कोई नहीं है इसके टक्कर में, त्रिकोणीय श्रृंखला हो, कुछ भी हो, जदयू कहीं नज़र नहीं आने वाली। एनडीए के तमाम नेता भी उतरे मैदान में, कुछ नहीं होगा, चुनाव आखिर में राजद की बीमा भारती ही चुनाव में जीतेंगी। इसी तरह आप तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट से शैलेंद्र कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।